हेलो एवरीवन, मैं सदा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। चिकन फजीता और फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन दहकता किचन के अंदाज में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, बोनलेस छोटे छोटे पीस में कट करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक बड़ा टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, एक बड़ा टेबलस्पून मैदा, नमक एक टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपको। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मैंने तेल ऑलरेडी चढ़ा दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके आप पीसेस डाल दीजिए। वैसे ना मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, कभी भी मूवी या फिर कुछ भी घर में पिक्चर वगैरह देखती हूँ तो ये जो फ्राई कर रही हो ना चिकन के नगेट्स, इसको अगर आप शेजवान चटनी के साथ खाएंगे या खाली भी खाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन नगेट्स लगता है। तो देखिए आपका फ़ायदा एक बार फिर हो गया है। एक ही वीडियो में मैंने 2 रेसिपीज दे दी हैं आपको। तो इसी बातों में हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई करना है। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप यकीन मानिए इसे टेस्ट मतलब करिएगा जरूर बनाते टाइम, बहुत ही जबरदस्त लगता है ये चिकन का नगेट्स। अब हम इसमें चावल लेंगे, बासमती चावल मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नींबू डालिएगा। नींबू डालने से क्या होता है, चावल चिपकते नहीं है, अलग अलग बनते हैं खिले खिले चावल, और छिलका भी उसी में डाल दीजिएगा। जब हमारे चावल 60% पक जाएं, 60% हाँ बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चावल टूट जाएंगे हो जाएं, तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे यानी कि निथार लेंगे। अब वेजीज में मैंने यहाँ पर लिया है प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, ग्रीन बीन्स लिया है, बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हम जिस तेल में मैंने फ्राई किया था चिकन को, वही तेल हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून डालिएगा, 10 से 12 लहसुन की कलियां बारीक बारीक काट के इसमें डालिएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे हम इसमें डालेंगे सारी वेजीज जो हमने चॉप करके रखी है। और भी वेजीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर है या फिर बेल पेपर जो कलर्ड आते हैं रेड येल्लो, आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये वेजीज खाने के फ़ायदे भी हैं आपका, मतलब हेल्दी, मतलब चिकन से आपको प्रोटीन मिलेगा और अच्छे विटामिन्स मिनरल्स आपको वेजीज से मिलेंगे। तो खाने में ऐसा खाना खाइए जो हेल्दी भी हो, और घर का बना खाने की तो बात ही कुछ और होती है, राइट। तो जैसे ही थोड़ा सा सौते हो जाए हमारी वेजीज, हम इसमें अजीनोमोटो नमक डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा चलाइए, सौते करिए हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए, जिससे थोड़ी थोड़ी हमारी जो वेजीज हैं पक जाए। पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंचीनेस रखना है, जिससे हमारे जो फजीता कम फ्राइड राइस है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, एक टीस्पून डालेंगे सोया सॉस, शेजवान चटनी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आप थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। अब हम आराम से हल्के हाथों से अपने जो चावल हमने पकाए थे वो इसमें डालेंगे। और जो हमने चिकन जो फ्राई किए थे वो डालेंगे, चिकन के पीसेस।
अब हल्के हाथों से बहुत ही आराम से आपको चलाना है, जिससे आपका चावल जो है टूटे ना। फ्राइड राइस की या फजीते की हम बात करें, उसकी खूबी यही होती है कि आपके चावल खिले खिले बने, एकदम अलग अलग बने। वैसे मैं बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप इसे ट्राई करेंगे ना, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगने वाला है। वैसे बहुत सारी और भी लाजवाब, लज्जतदार, लजीज रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ट्राई करिए। और सिर्फ ट्राई मत करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक ऑलरेडी रहता है, तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। और चावल में भी हमने नमक डाला था, चिकन में भी हमने नमक डाला था, तो मतलब थोड़ा सा डालिएगा नमक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। बस हमारा जो है फ्राइड राइस का फजीता बनके तैयार है। अब इसमें हम रेस्टोरेंट का टच देंगे, यानी कि स्मोकी कोल फ्लेवर देंगे। कोयले को रेड हॉट करके हम इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही धुआं उठने लगे, ढक्कन बंद कर दीजिएगा, और 10 मिनट के बाद जब ढक्कन खोल देंगे आप, तो अच्छे से चला लीजिए, जिससे पूरा स्मोकीनेस जो है ना हमारा फ्राइड राइस का फजीते में मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है ये, समझ लीजिए। बहुत मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो चली फटाफट से इसको खाने। और आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी जाइए अपने किचन में, फटाफट से ट्राई करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर सर्व करिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुँचे। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड फाइंड द फूडी न्यू। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, जो अंडे के शौकीन है, जिनको अंडे पसंद है फ्राइड राइस में, तो वो स्क्रम्बल्ड एग ऑयल में ऐसे स्क्रम्बल्ड करके ऊपर से ऐड कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, मुझे एग पसंद नहीं है, और इसीलिए मैंने ये विदाउट एग बताया है। आप चाहें तो एग ऐड कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड फाइंड द फूड इन यू। बाय बाय।